भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास में कुल टोटल जो आवेदन मिले हैं वो 16,471 कुल आवेदन मिले हैं, जिसमें जनरल जो है जनरल कैटेगरी में कुल आवेदन मिले हैं 5,913, और इसके लिए सीटें आरक्षित थी आपकी 19, जिसमें 14 सीटें जनरल मेल के लिए और 5 सीटें जनरल फीमेल के लिए। जनरल मेल के कुल आवेदन 3,437 मिले हैं और जनरल फीमेल के कुल आवेदन 1,476 मिले हैं। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में कुल आवेदन मिले हैं 1,333 और सीटें आरक्षित थी इनके लिए 5, जिसमें 4 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए, जिसमें जो आपकी 1,333 में 1,000 आवेदन 1,000 जो एप्लीकेशन है वो जनरल मेल के मिले हैं और 333 आपकी ईडब्ल्यूएस की फीमेल के लिए मिले हैं। ओबीसी में जो हिस्ट्री में हिस्ट्री विषय में ओबीसी में कुल आवेदन 6,583 मिले और इनके लिए जो ओबीसी की जो सीटें अलॉटेड हैं वो हैं आपकी 9, और टोटल ओबीसी के आवेदन मिले हैं 4,836 मेल के और 1,747 फीमेल के। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में केवल 553 आवेदन मिले हैं। इन 553 आवेदनों में 482 एमबीसी मेल के और 71 आपके एमबीसी फीमेल के मिले हैं। वहीं पे आपके 2 जो सीट हैं इनके लिए एमबीसी के लिए आरक्षित हैं टोटल सीटों में हिस्ट्री की। और एससी की बात करें तो एससी में कुल आवेदन मिले हैं 2,476, 2,476 आवेदन मिले हैं और इन 2,476 में 1,922 आवेदन मिले हैं आपके एससी मेल के और 554 जो आवेदन मिले हैं वो एससी फीमेल के मिले हैं। और टोटल जो है इनके वो हैं आपके सीट जो हैं 6 सीट हैं एससी की हिस्ट्री में, जिसमें 5 मेल की और 1 फीमेल की। इस प्रकार आपके जो हिस्ट्री है उसमें 16,471 कुल आवेदन मिले हैं। थैंक यू वेरी मच। हिंदी में कुल आवेदन आए हैं 21,666, जिसमें जनरल मेल जो है उसमें 3,462 पद तो आवेदन हैं जनरल मेल के और 3,581 हैं जनरल फीमेल के। जनरल मेल और फीमेल के कुल आवंटित पद हैं 15, जिसमें 19 पद आपके मेल के लिए आवंटित है और 5-6 जो पोस्ट हैं वो आपकी जनरल फीमेल के लिए आवंटित हैं। EWS हिंदी में EWS में मेल जो हैं वो 981 आवेदन आए हैं और फीमेल के 811 आवेदन आए हैं, जबकि इनके लिए अलॉटेड पोस्ट जो हैं वो केवल 6 हैं, 5 EWS मेल के लिए और 1 EWS फीमेल के लिए। OBC में जो आवेदन आए हैं वो ओबीसी मेल के 4,520 और ओबीसी फीमेल के 3,640 ये आवेदन आए हैं और इनके लिए आवंटित सीटें हैं 12, जिसमें ओबीसी मेल के लिए 10 सीटें आवंटित हैं और ओबीसी फीमेल के लिए 2 सीटें आवंटित हैं। बात करें एमबीसी की तो एमबीसी में जो मेल के आवेदन हैं वो 472 आए हैं और फीमेल के आवेदन है आए हैं 165, जबकि इनके लिए आवंटित सीट 3 है। एमबीसी में मेल के लिए 3 सीटें आवंटित हैं और फीमेल के लिए कोई सीट आवंटित नहीं है, उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। एससी में कुल सीटें आवंटित जो सीट हैं वो 9 हैं, एससी पुरुष के लिए 7 और एससी महिला के लिए 2 सीट आवंटित हैं, जबकि आवेदनों की संख्या एससी में मेल जो हैं वो 2,346 आवेदन मिले हैं और फीमेल के लिए 1,298 आवेदन मिले हैं। बात करें हिंदी साहित्य में एसटी की तो एसटी कैटेगरी में कुल 7 सीटें आवंटित हैं, जो 5 एसटी पुरुष के लिए और 2 एसटी महिला के लिए। और इनमें आवेदनों की बात करें तो आवेदन एसटी पुरुष में 1,205 और एसटी महिला जो है वो 971 जो है आवेदन इसमें आए हैं। थैंक यू।
संस्कृत सब्जेक्ट में लगभग 7,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं कुल सभी कैटेगरीज को मिलाकर, जिसमें जनरल मेल के 1796 पोस्ट आवेदन और जनरल फीमेल के 1376 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इनके लिए आवंटित पोस्ट जो हैं वो लगभग 16 हैं, जो 12 मेल के लिए और 4 फीमेल के लिए आवंटित हैं। EWS की 629 आवेदन पुरुष के लिए और 366 आवेदन फीमेल के लिए मिले हैं, जबकि इनके लिए 3 सीटें अलोटेड हैं और ये तीनों सीट मेल के लिए आवंटित हैं, फीमेल के लिए कोई सीट आवंटित नहीं है। MBC के लिए 119 आवेदन मिले हैं मेल के लिए और 46 आवेदन मिले हैं फीमेल के लिए, और इसमें केवल एक सीट जो है MBC मेल के लिए आवंटित है, फीमेल के लिए कोई सीट आवंटित नहीं है। OBC में 929 आवेदन और OBC फीमेल में 816 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इनके लिए अलोटेड सीट केवल 8 हैं, 6 सीट आपकी OBC मेल की और 2 सीट OBC फीमेल की। SC में SC पुरुष के लिए 584 आवेदन और SC महिला के लिए 257 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इनके लिए जो सीट अलोटेड हैं वो 6 हैं, जिसमें 5 SC पुरुष के लिए और 1 SC महिला के लिए। ST में ST पुरुष के आवेदन मिले हैं 378 और ST महिला के लिए आवेदन मिले हैं 282, जबकि इनके लिए अलोटेड सीटें हैं 4, जिसमें 3 ST मेल के लिए और 1 ST फीमेल के लिए। ज्योग्राफी में जो टोटल आवेदन मिले हैं वो 16,393 टोटल आवेदन हैं, जिसमें जनरल के जो हैं जनरल मेल के 3,071 और फीमेल के 1,815। जनरल मेल की जो सीटें हैं टोटल वो 14 सीट हैं और फीमेल के लिए 5 सीट अलोटेड हैं। वहीं MBC की बात करें तो MBC मेल में 4,447 आवेदन प्राप्त हुए हैं, वहीं फीमेल के 2,377 जो है आवेदन मिले हैं। MBC में 7 पोस्ट मेल की और 2 पोस्ट फीमेल के लिए आरक्षित हैं। EWS जो है उसमें कुल मेल के आवेदन मिले हैं 852 और फीमेल के मिले हैं 424। मेल के लिए 3 सीट अलॉट हैं और फीमेल के लिए 1 सीट अलॉट है। OBC जो है OBC की बात करें तो OBC में कुल जो मिले हैं आवेदन वो 491 तो मेल के और 107 जो है पोस्ट 107 आवेदन है वो फीमेल के लिए है। OBC की केवल 2 सीट हैं, उसमें फीमेल के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। बात करें SC की तो SC में जो मेल के कुल आवेदन मिले हैं 1,758 और फीमेल के 590 आवेदन मिले हैं। कुल 7 सीटें SC की हैं जो ग्रुपी में, और जिसमें 5 मेल के लिए और 2 जो है वो फीमेल के लिए हैं। ST की बात करें ज्योग्राफी सब्जेक्ट में तो ST में जो मेल के आवेदन मिले हैं वो 1,243 मिले हैं और 486 जो है वो फीमेल के लिए मिले हैं। कुल 5 पोस्ट ST के लिए आरक्षित हैं, जिसमें 4 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। इस प्रकार ये ज्योग्राफी की कुल टोटल जो आवेदन मिले हैं वो 16,393 टोटल जो है वो आवेदन मिले हैं। थैंक यू। अंग्रेजी साहित्य जो है उसमें कुल आवेदन मिले हैं 5,302, जिसमें जनरल मेल के 997 आवेदन और फीमेल के 1,504 आवेदन। इसमें जो टोटल जो पोस्ट हैं, टोटल जो पोस्ट इनके लिए अलोटेड हैं जनरल के लिए वो 22 पोस्ट हैं। EWS में कुल मेल के लिए आवेदन मिले हैं 214 और फीमेल के लिए 253, और इनके लिए अलोटेड पोस्ट जो हैं वो 5 हैं, जिसमें 4 मेल के लिए हैं और 1 फीमेल के लिए है। OBC की बात करें अंग्रेजी साहित्य में, OBC में पुरुष अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है 757 ने और महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है 758
68 ने, और इनके लिए अलॉटेड सीटें जो हैं वो हैं 10, जिसमें 8 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए। एससी की बात करें तो एससी में 437 पोस्ट 37 आवेदकों ने आवेदन किया है और 271 महिला आवेदकों ने एससी में आवेदन किया है, और टोटल पोस्ट जो हैं इनके लिए अलॉटेड हैं वो 10 हैं, जिसमें 6 मेल के लिए हैं और 2 फीमेल के लिए हैं। एसटी की बात करें तो एसटी की 224 पुरुष अभ्यर्थियों ने और 202 महिला अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, और इनके लिए अलॉटेड सीट हैं 6, जिसमें 5 पुरुष के लिए और 1 महिला के लिए है। और एमबीसी में केवल 76 आवेदकों ने आवेदन किया है, मेल आवेदकों ने, और 36 फीमेल आवेदकों ने आवेदन किया है, और इनके लिए जो सीट अलॉटेड हैं वो हैं केवल 2 सीट, महिलाओं के लिए इसमें कोई सीट अलॉटेड नहीं है। जूलॉजी में कुल आवेदन मिले हैं 4,226, जिसमें जनरल के लिए 2,152 जो हैं आवेदन मिले हैं, जिसमें 884 जनरल मेल के और 1,268 जनरल फीमेल के, जबकि इनके लिए आवंटित पद जो हैं वो केवल 12 हैं, 10 पुरुष के लिए और 2 महिला के लिए। ईडब्ल्यूएस जूलॉजी में ईडब्ल्यूएस में जो 3 सीटें अलॉटेड हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, जिसमें पुरुष के लिए 3 हैं और महिला के लिए कुछ भी नहीं है, वो जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, और इनके जो आवेदनों की संख्या है वो 187 तो मेल हैं और 208 जो है वो फीमेल हैं। इस प्रकार ईडब्ल्यूएस में 395 आवेदन प्राप्त हुए हैं। एमबीसी में केवल 50 जो है आवेदन मिले हैं, जिसमें 31 है आपके ईडब्ल्यूएस एमबीसी में मेल के और 19 जो हैं वो एमबीसी फीमेल के, और इनके लिए सीट एक ही अलॉट है एमबीसी मेल की। ओबीसी में कुल आवेदन जो मिले हैं वो 1,243 मिले हैं, जिसमें 557 जो है ओबीसी मेल के और 686 ओबीसी फीमेल के, जबकि इनके लिए आवंटित जो पद हैं वो केवल 6 हैं, 5 जो पोस्ट हैं वो ओबीसी मेल के लिए और 1 जो है पोस्ट वो ओबीसी फीमेल के लिए आवंटित है। एसटी में 587 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें 336 आपके एसटी मेल के और 251 एसटी फीमेल के, और इनके लिए जो आवंटित सीट है वो केवल 3 है, वो एसटी मेल के लिए आवंटित है। एससी में 194 आवेदन आए हैं और 109 एससी पुरुष के और 85 आवेदन एससी महिला के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि इनके लिए अलॉटेड सीट जो हैं वो 4 सीट हैं, 3 सीट आपकी एससी मेल की और 1 सीट एससी फीमेल की है। 1,268 में कुल आवेदन मिले हैं 4,268, जिसमें जनरल मेल के 1,190 और जनरल फीमेल के 1,060। इस प्रकार इनकी जो आवंटित सीट हैं वो हैं 19, जिसमें जनरल मेल की 14 सीट और जनरल फीमेल की 5 सीट आवंटित हैं। ईडब्ल्यूएस में ईडब्ल्यूएस मेल के 210 और ईडब्ल्यूएस फीमेल के 186 आवेदन मिले हैं, जबकि इनके लिए सीट अलॉटेड केवल 4 हैं, ईडब्ल्यूएस मेल की 3 सीट और ईडब्ल्यूएस फीमेल की 1 सीट आवंटित है। ओबीसी में ओबीसी मेल के 659 आवेदन मिले हैं, जबकि ओबीसी फीमेल के 447 आवेदन मिले हैं, जबकि इनके लिए सीट अलॉटेड 7 हैं। एमबीसी में 66 आवेदन मेल के और 28 आवेदन फीमेल के मिले हैं, और दोनों के लिए आवंटित सीट जो हैं वो 3 हैं, जिसमें 2 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। एससी की बात करें तो एससी में 308 आवेदन जो है मेल के मिले हैं और 154 आवेदन फीमेल के लिए मिले हैं, जबकि इनके लिए आवंटित सीट हैं 7, जिसमें 5 मेल के लिए और 2 फीमेल के लिए हैं। एसटी में
कुल 222 आवेदन मिले हैं मेल के लिए और 134 आवेदन मिले हैं फीमेल के लिए, जबकि इनके लिए आवंटित सीट हैं केवल 5, जिसमें 4 मेल के लिए और फिजिक्स सब्जेक्ट में कुल जो आवेदन मिले हैं वो 6525 आवेदन मिले हैं, जिसमें 1912 आवेदन जनरल मेल के और 1294 आवेदन जनरल फीमेल के, जबकि जनरल के लिए आवंटित पदों की संख्या है 14, जिसमें 11 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए आवंटित हैं। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कुल आवेदन मिले हैं मेल के 1359 और फीमेल के 873, जबकि इनके लिए आवंटित पद हैं वो केवल 7 हैं, 5 मेल के लिए और 3 फीमेल के लिए। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में मेल के लिए आवेदन मिले हैं 82 और फीमेल के आवेदन मिले हैं 33, जबकि इनके लिए आवंटित सीट है 1, जो केवल पुरुष के लिए है, महिला के लिए कोई आवंटित सीट नहीं है। ईडब्ल्यूएस के मेल के 435 आवेदन और फीमेल के 248 आवेदन मिले हैं, जबकि इनके लिए आवंटित सीट केवल 3 हैं, जो केवल मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए कोई आवंटित सीट नहीं है। बात करें एससी की तो एससी मेल के लिए कुल आवेदन मिले हैं 414 और फीमेल के लिए आवेदन मिले हैं 159, जबकि इनके लिए आवेदन के लिए जो आवंटित सीट हैं वो केवल 4 हैं, जो आपके एससी मेल के लिए हैं, फीमेल के लिए कोई आवंटित सीट नहीं है। बात करें एसटी की तो एसटी में 264 मेल के और 134 फीमेल के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि 4 सीटें इनके लिए अलोटेड हैं, जिसमें 3 मेल की और 1 फीमेल की हैं। लॉ जो है कानून विषय, उसमें सबसे कम आवेदन आए हैं, लगभग 1868 आवेदन इसमें प्राप्त हुए हैं, जिसमें जनरल मेल के 667 आवेदन और फीमेल के 521 आवेदन, और इनके लिए जो जनरल मेल फीमेल के लिए आवेदन जो अलोटेड सीट हैं वो 6 हैं, और 6 में 5 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए अलोटेड है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 84 तो मेल आवेदकों ने आवेदन किया है और 51 फीमेल आवेदकों ने आवेदन किया है। एमबीसी में बहुत कम लोगों ने कानून विषय से आवेदन किया है, 5 पुरुष और 6 महिलाओं ने इसमें आवेदन किया है। बात करें ओबीसी तो ओबीसी के 240 पुरुष अभ्यर्थी और 166 महिला अभ्यर्थियों ने लॉ में आवेदन किया है और इनके लिए 1 सीट अलोटेड थी। ठीक है, एससी की बात करें तो एससी में 118 पुरुष आवेदक और 54 महिला आवेदकों ने आवेदन किया है और इनके लिए भी 1 सीट अलोटेड है। बात करें एसटी की तो एसटी में 49 पुरुष आवेदक और 27 महिला आवेदकों ने आवेदन किया है। ये है लॉ जो है सब्जेक्ट, उसके संपूर्ण डिटेल्स। तो 1868 कुल आवेदकों ने इसमें आवेदन किया है। थैंक यू। राजनीति विज्ञान में जो है टोटल पोस्ट आई है 16372, सॉरी आवेदन जो है वो 16372 हैं, जिसमें मेल जनरल मेल के 2907 और फीमेल के 1828 आवेदन मिले हैं। जनरल मेल और फीमेल के टोटल पोस्ट जो हैं वो 22 हैं, जिसमें 17 मेल के लिए और 5 फीमेल के लिए आरक्षित हैं। एमबीसी की बात करें तो एमबीसी में टोटल जो आवेदन मिले हैं वो 633 मिले हैं, जिसमें 525 आवेदन मिले हैं एमबीसी मेल के और 108 आवेदन मिले हैं एमबीसी फीमेल के, और टोटल पोस्ट जो इनके लिए एमबीसी के लिए आरक्षित है वो हैं 2 पोस्ट। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस में जो मेल में आवेदन मिले हैं 882 और फीमेल में 453, और इनके लिए एमबीसी के ईडब्ल्यूएस के लिए टोटल जो पोस्ट आरक्षित हैं वो हैं 5 पॉलिटिकल साइंस में।
ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में कुल जो मेल के आवेदन मिले हैं वो 4775 और फीमेल के लिए 2029 जो है आवेदन मिले हैं, और ओबीसी की मेल और फीमेल की टोटल जो पोस्ट आरक्षित हैं वो हैं आपकी 10, जिसमें 8 पोस्ट मेल के लिए और 2 पोस्ट फीमेल के लिए आरक्षित हैं। एससी की बात करें तो एससी में जो मेल के आवेदन मिले हैं वो हैं आपके 1915 और फीमेल के मिले हैं 640, और टोटल जो पोस्ट इनके लिए आरक्षित हैं वो 9 पोस्ट हैं, जिसमें 7 पोस्ट आपके मेल के लिए और 2 पोस्ट फीमेल के लिए आरक्षित हैं। एसटी की बात करें तो एसटी में जो मेल के आवेदन प्राप्त हुए हैं वो 1129 मिले हैं और फीमेल के लिए 448, और टोटल इनके जो आरक्षित पोस्ट हैं वो 6 हैं, जिसमें 5 मेल के लिए और 1 फीमेल के लिए। इस प्रकार आपका पॉलिटिकल साइंस जो है मैं कुल टोटल जो आवेदन मिले हैं वो 16372 हैं। थैंक यू वेरी मच।